नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। केजरीवाल ने कहा कि रेप मर्डर नहीं, भाजपा का विरोध सबसे बड़ा अपराध। जेएनयू में देश विरोधी नारे और उसके बाद के घटनाक्रम पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र की आईपीएस में हत्या और बलात्कार से बड़ा अपराध भाजपा और आरएसएस का विरोध है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की इंडियन पैनल कोड में हत्या, लूट और दुष्कर्म कोई बड़ा अपराध नहीं, बल्कि बड़ा अपराध है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करना। केजरीवाल ने एक अन्य ट्वीट में भी कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी नई आईपीएस बनाई है जिसमें रेप मर्डर और किसी को भी पीटने वाले लोग पीड़ित को देशद्रोही बताकर बच निकलते हैं। हरियाणा में जाट आरक्षण पर बवाल, इंटरनेट बंद। हरियाणा में जाट आरक्षण की मांग को लेकर जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। आंदोलन के चलते रोहतक, झज्जर और सोनीपत में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे राज्य में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। जाटों का प्रदर्शन रोहतक, झज्जर क्षेत्र से सोनीपत, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और जिंद जिलों तक फैल गया। प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो गई। सोनीपत में प्रदर्शनों में जहां वकील शामिल हुए, बड़ी संख्या में छात्रों ने रोहतक में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब ट्विटर पर सईद पर नकेल कसेगा भारत। सुरक्षा एजेंसियां ट्विटर इंडिया से संपर्क करके लश्करे तैयबा संस्थापक हाफिज सईद और जमात उद दावा से संबंधित सभी अकाउंट्स बंद करने के लिए कहेगी। इन अकाउंट्स पर अक्सर सईद को भारत के खिलाफ जहर उगलते पाया जाता है। अधिकारियों ने कहा कि कई ऐसे अकाउंट हैं जिनका संबंध लश्करे तैयबा के मुखौटा संगठन जमात उद दावा के साथ सईद से है। इन अकाउंट्स को बंद करना जरूरी हो गया है। एक अधिकारी ने कहा कि हम ट्विटर से संपर्क कर रहे हैं जो अमेरिका में स्थित अपनी मूल कंपनी से इन खातों को बंद करने के लिए कहेगी। उम्मीद है कि ये जल्द ही हो जाएगा।